नमस्कार, लाइव टाइम टीवी हिमाचल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं डीडी जस्टा। अभी हम थरोच में मौजूद हैं, जहां से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बता दें, आज जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह यहां पर चौपाल निर्वाचन क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रजनीश किमटा, उनके समर्थन में जन समर्थन जुटाने के लिए यहां पहुंची है। उनका आगमन होना है। पीछे मंच सजा आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहां पर एक जो जन सैलाब है वो उमड़ा है। इस विषय में हम एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। निवेदन रहेगा, जो भी इस लाइव अपडेट के साथ दर्शक जुड़े हैं अंत तक बने रहें। तो सभी के लिए हम ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं, और विशेष तौर पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी सरगर्मियों में किस तरह से जनसंपर्क अभियान पर सभी प्रत्याशी हैं, इस विषय में पेश है हमारी एक रिपोर्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रानी जो प्रतिभा सिंह है उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह का आगमन हुआ है। राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, रानी प्रतिभा सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच पर आगमन हो चुका है। राजा प्रतिभा सिंह मंच पर पधार चुकी है। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम करोड़ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, अपार श्रीमती प्रतिभा सिंह पधार चुकी हैं। ये मैं उनसे अनुरोध करूंगा, समय की कमी है, सीधा अपना संदेश जो है वो परगना दिशांत रोच और चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दे। इनका बहुत बिजी शेड्यूल है, तीन तीन जनसभाएं कर दी, आगे जाना है। थकावट की हमारे हमारी दिल से या मंच पे उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता और सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, महिला मंडल के प्रधान, हमारे नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल,
के सभी सदस्यगण तथा पदाधिकारीगण, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और आपने जिस गर्म जोशी के साथ हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव 12 तारीख को आपने अपने वोट डालने हैं, तो इसी उपलक्ष में मैं आज आपसे सभी से निवेदन करने आई हूं कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रजनीश खिमटा जी हैं, तो आप इनको अपना आशीर्वाद दें और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजें ताकि हम हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसमें इनको सम्मिलित करें। एक विधायक के तौर पे ये आपकी नुमाइंदगी यहाँ से करेंगे, इसके लिए मैंने आज आपसे अपील करनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे। पहले भी जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे कितनी बार वो चौपाल आए आप भी जानते हैं, और जो जो काम उन्होंने किए हैं वो सर्व आपके सामने है, चाहे वो 10+2 स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे तहसील है, चाहे ब्लॉक है, चाहे सभी विकास के कार्य जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सभी माननीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में हुए हैं और उन्हीं की देन है ये यहाँ पर चौपाल में विकास के कार्य पर हुए हैं, सब उनकी बदौलत ये काम यहाँ पर सफल हो पाए। उसके बाद आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई और इनका 5 साल इनका शासन रहा, इन्होंने भी जो 5 साल व्यतीत करे उसमें एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए हम कह सके कि ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ। ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, ये चाहते तो केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बैठे हैं, अगर चाहते तो बहुत कुछ करवा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुझे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राजा साहब के सहयोग से हम लोग दिल्ली तक पहुंचे और हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मांग की कि डॉक्टर साहब हमारा हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, हमको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बहुत से काम है जो अभी करने को है। हमने उनसे पुकार की कि रोहतांग टनल हमारी एक सुरंग बननी चाहिए जहां लाहौल स्पीति का क्षेत्र बर्फबारी की वजह से कट जाता है पतंगों, और वहां पर एक सुरंग के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो पैसा दिया अद्भुत विकास के कार्य उस क्षेत्र में हुई, आज वो क्षेत्र टनल के माध्यम से जुड़ गया है और जो रास्ता वहां पर जो सफर घंटों तय करना पड़ता था घंटों लगते थे लाहौल स्पीति पहुंचने में और गर्मी के महीने में भी वहां बर्फबारी होती है, और हमें खुशी है कि आज वो टनल बनके यूपीए की सरकार ने वो टनल बना के दी और आज आप 15 मिनट में वो रास्ता तय कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से ये मांग की कि हमारे को 4 मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, हमारे दुर्गम क्षेत्र है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र है, चाहे चंबा का क्षेत्र है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र है, आप इन इलाकों में हमें अगर मेडिकल कॉलेज देंगे तो बहुत सी सुविधाएं लोगों को मिलेगी और उनके हम आभारी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज हमको दिए जो हमारी सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों में खोले। उसी तरह से हमने एक IIT की मांग की, पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र 4 IIT थी और 8 IIT थी और हमने मांग की कि 9वीं IIT हमारे को हिमाचल प्रदेश में आप दें, और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने उसके लिए भूमि भी उपलब्ध कराई और एक दूर दराज के क्षेत्र में जहां से ठाकुर कौल सिंह जी विधायक है धरंग का क्षेत्र वहां पर उन्होंने वो IIT भी खोली, आज वो IIT खुलकर कितने बच्चों को वहाँ पढ़ने का मौका मिला
और कितने लोगों को वहाँ रोजगार उपलब्ध हुआ। बातें तो बहुत सारी करने को है, आप सब जानते हैं कि उनके कार्यकाल में हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो जो भी मांगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से की, वो सारी की सारी बातें उन्होंने हमको करके दी। इसी तरज पे अगर जयराम ठाकुर भी मोदी जी से ये अर्ज करते कि आज हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में दबा हुआ है, आप हमारी आर्थिक तौर से मदद करें, तो ना जयराम ठाकुर ने मांग की और ना प्रधानमंत्री ने ये उनकी मांग स्वीकार की, जिसमें कम से कम उस पैसे को देने में प्रधानमंत्री सक्षम थे, हमारी मदद कर सकते थे। और इस दौरान कम से कम 7-8 दौरे प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के कर चुके हैं। चंबा में गए, ऊना में गए, मंडी में गए, कुल्लू में गए, अब तो हर क्षेत्र का, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा कर रहे हैं। जहां भी जा रहे एक बार भी ये नहीं बोलते कि बढ़ती हुई महंगाई को देख के उन्होंने महंगाई कम करने की बात नहीं की, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, और ना ही उन्होंने आर्थिक तौर से हमारा जो ये संकट है उसके ऊपर हमारी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। आज मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, पूछो तो सही क्या कहूँ, मान जा सकते, मान जा सकते, नहीं नहीं अब वहाँ कहाँ जाएंगे, मेरे को पता था ये ऐसे ही होना। अब आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे कांग्रेस के सारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, ये भी आपको अपने वचनों से या संबोधित करेंगे, आपसे ये इलेक्शन की बात करेंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं कल भी एक क्षेत्र में गई हुई थी जहाँ पर मुझे 4:30 बजे वापस पहुँचना था और मैं पहुँच नहीं पाई, तो वो हेलीकॉप्टर उड़ गया, उसने बोला जी हम नहीं रुक सकते। तो ऐसा ही आज भी हुआ है, आज भी मैं आई हूँ, अभी मुझे 1 घंटे का सफर तय करना है, तो वो पता नहीं ये सूर्य अस्त से पहले पहले उड़ान भरनी पड़ती है उनको, नहीं तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ती है। पायलट बोल देते जी कि इसके बाद नहीं हम उड़ सकते, तो वो वहां से भी चले गए, तो मेरे को गाड़ी से वापस आना पड़ा। आज भी अगर मैं टाइम का ध्यान नहीं रखूंगी तो आज भी मैं नहीं जा सकती, दोबारा मेरे को गाड़ी से जाना पड़ेगा। और आप देखो कितना लंबा सफर है, 150 किलोमीटर। रजनीश जी ने हमारा ध्यान नहीं रखा, अगर ये कहीं नजदीक रखते ये मीटिंग तो शायद हमारा समय बच जाता, पर इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ और अपील करने आई हूँ कि अब हमने कांग्रेस के विधायक को जिताना है ताकि हमारी कांग्रेस की सरकार को आप वोट डालने जाएंगे। आपने सभी ने कांग्रेस के हाथ के निशान पर अपना बटन दबाकर उसमें उस दिन भारी विजय से यहाँ से कांग्रेस को आप जिताएंगे, ये मेरा आपसे करवद निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहने को तो बहुत कुछ था पर आपसे माफी मांगती हूँ कि इतने ही शब्दों में मैं अपनी बात कह सकी। दोबारा जीतने के बाद फिर आएंगे, सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद हम अवश्य दौरा रखेंगे, ये मैं आपको बताने आई थी। सभी पत्रकार बंधु भी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रानीपुर प्रतिभा सिंह ने यहां पर वक्तव्य रखा, ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि समय का काफी अभाव है और समय के अभाव के चलते उन्हें वापस रुखसती करनी पड़ रही है, वापस निकलना पड़ रहा है। तो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत थरूच में आज उनका आगमन हुआ, ये चुनावी जनसभा थी और उन्होंने यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आम जनमानस से अपील की है। हेलो, तो इस लाइव आप सभी जनसमूह से विदा चाहेंगे, निवेदन है कि आप लोग बैठे रहिए, किंता जी अभी वापस आ रहे हैं, आप सबसे बने रहे मिलकर के जाएंगे। लाइव टाइम टीवी हिमाचल के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें, रानी साहिबा को समय की वजह से जल्दी जाना पड़ा, किमटा जी अभी हमारे बीच वापिस आ रहे हैं, आप सभी महिला मंडल, युवक मंडल और अन्य जो लोग किमटा जी से मिलना चाहते हैं आप बैठे रहे।